ध्यान से आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही प्यारा छत्तीसगढ़ी एक तरीके से आर्ट टाइप का कुछ दिख रहा होगा इसमें। ये टेराकोटा क्ले से बना है, हमने हैंडमेड बनाया है। नमस्कार, मैं पूनम भारती और मैं आ पहुंची हूँ श्री स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज में, जहाँ पर एग्जीबिशन रखा गया है। इस पूरे एग्जीबिशन का नाम है कला वृत्ति एग्जीबिशन, जो कि हर साल दिवाली से पहले एक एग्जीबिशन रखा जाता है। जिस एग्जीबिशन में तमाम स्टॉल्स हैं, तो स्टॉल्स में होममेड से लेकर दिए हुए सारी चीज़ें बनाए गए हैं, जिसको मैं आपको विस्तार में दिखाऊँगी हर एक स्टॉल के, स्टॉल्स में क्या कुछ है। तो चलिए चलते हैं स्टॉल में, आपको मैं दिखाती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद दिवाली की छुट्टी होने वाली, उससे पहले इस कॉलेज में स्टॉल्स लगाए गए हैं और यहाँ पर हैंडमेड चीज़ों से बनाया गया है पेपर से, जो कि स्टॉल लगाया गया है। सबसे पहले मैं इनसे जानूंगी, आप अभी कौन से सेमेस्टर में? मैं सेकंड ईयर बीकॉम में हूँ। और आपने क्या चीज़ का स्टॉल लगाया? मैंने डेकोरेटिंग आइटम का लगाई हूँ। इसमें क्या कुछ खास आपकी तरफ से जो बनाई गई है, जो कि हैंडमेड है? पूरी हैंडमेड है सारे। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लाइट लगा हुआ है, जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है उसके तौर से। और साथ ही साथ यहाँ एक और मेहंदी की भी है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं मेहंदी के भी, डिज़ाइन बनाने के लिए भी यहाँ पास है। और यहाँ पास होममेड, साथ ही साथ यहाँ पास देखा गया है कि जो आप देख सकते हैं बैंगल्स दिखाई दे रहे हैं, लस्सी खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पास रखी गई है। यहाँ एक और है होममेड, इन्होंने क्या क्या अपने स्टॉल्स में रखा है उनसे ही जानते हैं। जी, क्या बनाया? ये पूरा हर्बल टी है और ये हर्बल लीव्स है, अधूसा का लीव्स है, ये अस्थमा के लिए काम आता है। और ये ब्लू बटरफ्लाई टी है, ये अपराजिता के फ्लावर से टी बना है। मतलब सारी हेल्दी चीज़ें आपने रखी है और घरेलू होम में आपने ये क्या टी बोला? ब्लू बटरफ्लाई टी, अपराजिता के फ्लावर से टी बना है। ये हेल्पफुल होता है? हाँ, ये इम्यूनिटी बूस्टर करता है, साथ ही स्किन ग्लो करता है, आपको आपका वजन भी कम करता है, पूरा एक ग्रीन टी के टाइप का ही काम करता है। जैसे कि आपने देखा कि बड़ा ही काफ़ी अच्छी तरीके से स्टॉल्स लगाया गया है, जिसमें हेल्थ को देखते हुए नज़र रखते हुए। और यहाँ पर एक और स्टॉल लगा है, मुझे बस एक ही डिश समझ में आ रहा है, फरा। बाकी ये क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इनसे ही जानती हूँ कि ये है क्या। दीदी, ये है क्या? ये केरल का स्वीट है, इलेड़ा इसका नाम है। और ये इसका बाहर का बना हुआ है, जो चावल आटे का रहता है ना, उससे बना हुआ है। और स्टफिंग उसका बना है गुड़ और क्या बोलते हैं, नारियल का जो रहता है ना, कोकोपीट्स, उससे बना हुआ है। मतलब केरला का जो भी ये स्वीट है वो यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ और भी स्टॉल्स हैं, मैं आपको वो स्टॉल्स दिखाऊंगी, क्योंकि हर एक स्टॉल में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ रखा हुआ है, जो कि यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर गेम को भी नज़र रखा गया है, गेम भी खिलाया जा रहा है। यहाँ पर ग्लास के, स्टील के ग्लास रखे गए हैं, उसके बाद उसे खिलाया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि दिवाली कुछ ही दिनों में है, और दिवाली को भी रखते हुए सामने इन्होंने प्यारे प्यारे दिए बनाए, जिसमें बहुत प्यारे अपने हाथों से आर्ट एंड क्राफ्ट डिज़ाइन बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं इनसे ही जानती हूँ कि क्या कुछ, कहाँ से इन्हें इन्हें ये सीखा है। पहली बात, आप कहाँ से सीखा? अपने से, आर्ट आर्ट। और क्या कुछ आपके स्टॉल पे है? मतलब मुझे तो दिख रहा है दिया बाती है, पर मटका, और ये हिरन, और ये है बूस्टर टी, लेमन ग्रास। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ वॉल हैंगिंग्स और ये सारी चीज़ें, जिसमें आपको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही प्यारा छत्तीसगढ़ी एक तरीके से आर्ट टाइप का कुछ दिख रहा होगा इसमें। काफ़ी कुछ वॉल हैंगिंग से लेकर घर पे सामान रखने वाले स्टैचू और घड़े, कैंडिये बनाए गए हैं। और भी यहाँ पर स्टॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ बस देख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारी ईयरिंग्स है, जो कि मैं इनसे ही जानूंगी कि इनके ये ईयरिंग्स को क्या बोलते हैं। मैम, ये टेराकोटा क्ले से बना है, हमने हैंडमेड बनाया है। ये आपने हैंडमेड बनाया है, तो आपको पहली बात ये टेराकोटा सिखाया किसने? मैम, हमारे टीचर्स ने सिखाया। आपके टीचर्स ने? ओके। और क्या कुछ है यहाँ पर, जैसे कि ये हैंडमेड सोप है? मैम, ये हैंडमेड सोप है, ये हमने अपने लैब में ही बनाया है। सोप का वैक्स आता है, उसको पहले मेल्ट करके जो भी फ्लेवर का आपको बनाना है, हमने दालचीनी, हल्दी और उससे बनाया, एलोवेरा और नीम से। तो मैम, ये हल्दी का है और ये दालचीनी का, तो पहले इसका कोई जो भी फ्लेवर आपको ऐड करना है, तो मेल्ट करने के बाद हम उसमें फ्लेवर ऐड करके उसको वो कर दिए, मोल्ड कर दिए।
लोग अपने लैब के जो भी डिस्टिल वाटर आते हैं, एक तो बड़ा बंडल आता है बॉटल का, उसको हमने कट करके दो हिस्से में डिवाइड किया और एक स्टैंड बना दिया गमले का। और ये भी वही है, इसमें हम लोग केमिकल्स डाल के रखते हैं, जिसको हम लोग ने एक पॉट बना दिया, डेकोरेटिव चीज़ बना दी। और इसमें जूट की भी चीज़ें हैं जो बहुत सारे मिलते हैं पर, लेकिन ये हमने खुद ही बनाया है और इसको असेंबल किया है। ये सारी चीज़ें हम लोग को थ्रू आउट हमारे लैब में प्रोवाइडेड रहती है, तो हम इसको यूज़ करते हैं ऐसे डेकोरेटिव चीज़ों पे। मतलब सारी चीज़ें आपके लैब में थे, आपने वो सब आपके आसपास जो दिखाई दिए उन चीज़ों को यूज़ करके आपने बड़े ही प्यार तरीके से बनाया है। बाकी सबके प्राइजेस कैसे हैं? प्राइजेस रेंज ओवर 40, 45, 30, 35 सारे इतने के ही है, उससे ज़्यादा हम रेंज रखे ही नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ वेस्ट है, क्योंकि बेस्ट ऑफ वेस्ट है इसलिए। ओके, और इसे क्या बोलते हैं ये जो फॉर्म? मौली धागा जो आते हैं, मौली धागे जो पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग, उसको हमने डेकोरेटिव चीज़ में बॉल बना के यूज़ कर लिया। ओके, जो जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी प्यारे यहाँ पर आप दिए के देख सकते हैं स्टैंड बने गए हैं और बहुत ही कुछ प्यारे हैं। और यहाँ पर जस्ट बगल में एक और स्टॉल है जो कि दिए के लगे, ऐसे तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कि आपको जो वेस्टफुल चीज़ों से मिलाकर इन्होंने इतने प्यारे डेकोरेशन के तरीके से सामने रखा गया है। और भी यहाँ पर स्टॉल्स हैं खाने पीने से भी एक तरफ, उसके भी स्टॉल्स हैं। हम यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनसे भी जानेंगे इस पूरे एग्जीबिशन के बारे में कि इन्हें किस तरीके से, क्योंकि ये 19वां साल है जो उनका इस एग्जीबिशन का। तो चलिए आपको और भी स्टॉल्स दिखाते हैं और उनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ है इस पूरे एग्जीबिशन में। देखिए, ये एग्जीबिशन जो है हम लोग हर साल दिवाली के पहले करते हैं, कला विधि का है। स्वामी स्वरूपानंद का मतलब एक हमारा एक अलग कोशिश हमेशा रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल इनपुट्स दे, जिससे कि आगे चल के अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, या पढ़ाई के साथ साथ कई बच्चे हमारे जो अपने अपने बिजनेस भी कुछ करते हैं, तो वो अपने आइडियाज़ लेके आते हैं और उनको हम एक पूरा माहौल अच्छा देते हैं, एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें पहले काफ़ी 15-20 दिन पहले से सारे इंटरेक्शन्स होते हैं, बच्चे भी अपने आइडियाज़ हमको बताते हैं और उनको हम मौका देते हैं स्टॉल्स के थ्रू अपनी चीज़ों को रखने का, अपनी आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का, जिसमें कि उनका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप होता है। और आज के डेट में जब NEP लागू हो गया, 2020 में जो है NEP इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से बच्चों का भी बहुत ज़रूरी है कि जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग हो, तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट है उनको प्रैक्टिकल इनपुट्स देता है। ये स्टॉल्स में क्या कुछ है मैम, जैसे कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, खाने के भी स्टॉल्स हैं, ऐसे क्या क्या स्टॉल्स हैं? देखिए, स्टॉल में क्या होता है, पहली चीज़ जो हम बच्चों को बोलते हैं कि इसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, इनोवेशन दिखना चाहिए, कुछ नया है, पहले से ऑलरेडी वो चीज़ें हैं पर उसमें आपने कुछ अलग किया हो। जैसे इसमें आप आजकल देख रहे हो हर्बल टी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसके मसाले हैं, फिर उसके बाद में ब्लू टी है जो अपराजिता के फूल को यूज़ करके जो चाय है, कुल्हड़ चाय है। आजकल चाय का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो अलग अलग चाय का कॉन्सेप्ट है। फिर बच्चे कुछ जो बच्चे हमारा कल्चरल और क्रिएटिव क्लब होता है, या गोबर के दिए हैं उसको डेकोरेट किए हैं, दिवाली में जो आइटम्स यूज़ होते हैं या घर में फिर से आप डेकोरेशन के लिए जो यूज़ कर सकते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आपने सुना मैम को, मैम ने एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ के तमाम बच्चों के को उनका अपने आर्ट, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, साथ ही साथ पूरे स्टॉल्स में उनके क्रिएटिविटी आइडियाज़ भी उभर के आ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मनोरंजन का भी रखी गई है। हमारे साथ स्टॉल के मेम्बर हैं जिनसे मैं जानूंगी कि क्या कुछ है इनके स्टॉल में। हमारे स्टॉल में हम चौसेला रखें और अनारसा रखें, दोनों चीज़ें हैं, एक नमकीन में और एक मीठा में। हम चौसेला और चटनी देते हैं, छत्तीसगढ़ का हमारा मुख्य आहार है चावल, हम लोग धान का कटोरा बोलते हैं हमने छत्तीसगढ़ को, तो दोनों चावल की चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट से फुल है और बहुत मज़ा आएगा अब ट्राई करेंगे तो। ये इसमें तिल का बहुत अच्छा फ्लेवर है अनारसा में, मतलब चावल की जो सारे सामग्री बने गए हैं तो चौसेला बोलते हैं, और इसे क्या? ये नमकीन है और ये मीठा है। हम लोग बेसिकली छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली आप लोग छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट जी कर रहे हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं किस स्टॉल में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आपने स्टॉल को देखा इस स्टॉल में छत्तीसगढ़ी रिप्रेजेंट कर रहा है छत्तीसगढ़ को, और साथ ही साथ इसके बगल में और भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर बड़ा पाव, गुपचुप और मनोरंजन का भी चीज़ें यहाँ पर, बच्चे गिटार बजा रहे हैं, तमाम से चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं जो कि टीचर से मैंने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि उनकी क्रिएटिविटी, उनके आइडिया उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, जो अपने फ्यूचर में, अपने फ्यूचर में अगर एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनकी क्रिएटिविटीज़ को उभारने का एक मौका दिया गया है। साथ ही यहाँ काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन है, आप भी आके देख सकते हैं इस एग्जीबिशन को, और साथ ही ऐसी और स्टोरी को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।